हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मिलती है फुल्ली एक्सेसिबल टॉक बैक के साथ टेक्नोलॉजी जॉब अलर्ट से संबंधित नई नई अपडेट्स। इन नई अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करके कीजिए ऑल पे सेट, ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की सबसे पहले अपडेट। तो कंटिन्यू वॉचिंग इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो का टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा और टाइटल पढ़ के आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस पे होने वाली है। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय रेल में सफ़र करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं या थोड़ा ही करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बहुत कुछ बताया था IRCTC एप्लीकेशन के बारे में, बट जो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों UTS एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, ये भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च की गई एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों होता क्या है कि हम अनरिजर्व टिकट बुक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, आप लोकल में कहीं सफ़र करते हैं, ठीक है, सपोज़ जैसे आप मुंबई में रहते हैं ना, अंधेरी टू भिवंडी है ना, या दादर टू भिवंडी, इस तरह से, मतलब जैसे लोकल वो हो गया, या फिर इधर मैं हरियाणा में देख लूँ अपने दिल्ली से पानीपत, या आपके राज्य में, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि हमें जर्नल टिकट लेना पड़ता है ना। तो अब जर्नल टिकट जो है भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन कर दिया। पहले हमें स्टेशन पर ही मिलता था, क्योंकि जो IRCTC का एप्लीकेशन है उसमें तो सिर्फ हमें रिजर्वेशन ही मिलता है, जर्नल टिकट नहीं मिलता है। बट जो ये एप्लीकेशन है UTS, ठीक है, अनरिजर्व टिकट सर्विस या सिस्टम कह लो, है ना, इसकी फुल फॉर्म है अनरिजर्व टिकट सिस्टम। तो दोस्तों, UTS के बारे में मैं आज आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, कैसे आप इससे अपना टिकट निकाल सकते हैं, जर्नल टिकट। और जो आपका, जैसे मान लीजिए अगर आप ड्यूटी करते हैं या डेली बेसिस पे आप सफ़र करते हैं, तो आप रेलवे का पास भी बना सकते हैं इससे बहुत ही इजी तरीके से, कोई ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं होगी और फुल्ली एक्सेसिबल एप्लीकेशन है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जर्नल टिकट बुक कैसे करते हैं वो भी आपको बताऊँगा, इसमें अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो भी आपको बताऊँगा, आपको पास के लिए अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको बताऊँगा, और इसका खुद का वॉलेट है उसको एक्टिवेट कैसे करना है, और अगर उस वॉलेट में आप रिचार्ज करते हैं ताकि जब आप टिकट बुक करें तो उससे पेमेंट कटे, बार बार आपको बैंक को एक्सेस करने का पंगा ना पड़े, इसका खुद का ही वॉलेट है, उसको कैसे KYC अपडेट करना है और कैसे उसमें 5% का कैशबैक लेना है, तमाम जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। बशर्ते आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे, वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाएंगे, तो आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों 35% लोग ऐसे हैं जो कि अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग तो कर रहे हैं, लेकिन जो 35% है वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है तरुण जुनेजा, आप देख रहे हैं आपका अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअल इम्पेयर्ड। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। तो चलिए दोस्तों, फाइनली मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ और इस एप्लीकेशन को जो है मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वरना आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, पहला कमेंट आपको मिलेगा, वहाँ पे इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैंने पिन कर दिया। ठीक है, अदरवाइज सिंपली आप प्ले स्टोर में आएंगे और आप लिखेंगे UTS, यानी अनरिजर्व टिकट सिस्टम। ठीक है, आप सिंपली UTS लिखेंगे तो पहला ही एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और उस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद कौन कौन से प्रोसेस आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं वो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपके प्यार भरे लाइक की मुझे जरूरत है। अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक,
ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हैं, चैनल के अबाउट पेज में जाइए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल भी चैनल के अबाउट पेज में दिया हुआ है, ठीक है। और दोस्तों बहुत ही जल्दी मैं प्लान बनाने जा रहा हूँ, मैं एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहा हूँ जिसमें आप सभी लोगों को जोड़ सकूँ और आप मुझसे हूबहू रूबरू जैसे भी आप कहें आप मुझसे क्वेश्चन कर सकें, ग्रुप में आके लाइव में आपके क्वेश्चन के आंसर दूं, ठीक है। तो मुझे बताइए क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया, अभी मैं सिंपली इसे ओपन कर लेता हूँ। देखिए अर्ट्स ये मतलब बिना स्पेस के बोल रहा है आपको लग रहा है, देखिए मैं आपको सुना देता हूँ। सिंपली आपको ये प्ले स्टोर पे लिखना, तो मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया, चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, देखिए सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, ये रेलवे द्वारा बनाई गई है और 10 मिलियन लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी रेटिंग है इसकी। चलिए मैं राइट स्वाइप कर लेता हूँ यहाँ पे, अनइंस्टॉल ओपन। तो ये जो वीडियो है दोस्तों उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है जो कि डेली लोकल सफर करते हैं ना, जिनको पास भी अप्लाई करना है उनके लिए भी खास होने वाली है। अदरवाइज अगर आप डेली लोकल ट्रेन पे यात्रा करना चाहते हैं, चाहे वो सुपर फास्ट क्यों ना हो, मतलब जर्नल टिकट लेकर अगर आप चढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों इस एप्लीकेशन के थ्रू आप वो टिकट काट सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जैसे मान लीजिए लोकल में आपके राज्य में आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना है ना, मतलब कि आपको अपने एक स्टेशन से किसी दूसरे स्टेशन पे जाना है, तो आप उसके लिए रिजर्वेशन तो कराएंगे नहीं, जर्नल टिकट लेंगे तो वो आपको काउंटर पे जाना पड़ता था, लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ता था, तो वो सारा झंझट जो है आपका अब खत्म हो गया है। अब आप अपने मोबाइल से तुरंत टिकट काट के और तुरंत ही आप जा सकते हैं ट्रेन में, कोई भी ट्रेन हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस शर्तें सुपर फास्ट और मेल होनी चाहिए, राजधानी वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, सेम डे पे ये आपकी जो सुविधा है वो काम करेगी, अदरवाइज आपकी काम नहीं करेगी, अगले दिन का आप नहीं जा सकते, ठीक है। सेम डे पे आपको टिकट काटना और सेम डे पे जल देना है। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ओपन करके डबल टैप करते हैं इसको। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इसे ओपन किया अभी मेरे सामने इसका इंटरफेस ओपन हो रहा है, ठीक है। देखिए जैसे ही मैंने इसे ओपन किया तो ये मुझसे लोकेशन की परमिशन मांग रहा है जो कि आपको अलाउ कर देनी है, ठीक है। आपको स्किप नहीं करना है, इसको अलाउ करना है। ओनली दिस टाइम पे कर दो या फिर व्हाइल यूजिंग दिस ऐप में कर दो। Allowance to make and manage phone calls. फोन कॉल को भी आपने अलाउ करना है। चलिए दोस्तों ये तो बात हुई परमिशन की, तो मेरी जो परमिशन है मैंने यहाँ पे दे दी है, ठीक है। अब इसका इंटरफेस मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है। दोस्तों हर किसी को ऐप को चलाने के लिए हमें एक कॉमन रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ता है, तो वही रूल इसका भी है। ये एप्लीकेशन भारतीय रेलवे द्वारा और IRCTC द्वारा बनाई गई है, दोनों का टाई अप है। IRCTC के थ्रू टिकट बुक होती है और ट्रेन भारतीय रेलवे की होती है। और दोस्तों इस एप्लीकेशन की जो रेटिंग है वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है। चलिए मैं राइट स्वाइप करता हूँ यहाँ पे, देखिए INR अनरिजर्व टिकटिंग, ठीक है। आप समझ गए होंगे अनरिजर्व का मतलब क्या होता है, जर्नली होता है, ठीक है, जर्नल डब्बे में जाने के लिए। और रिजर्वेशन के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके IRCTC की प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मैंने बना रखा है, ठीक है। चलिए मैं आगे चलता हूँ। देखिए सबसे पहले मिलता है आपको लॉगिन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लॉगिन वाले टैब पे आना है और कहीं नहीं जाना है, तो इस पे डबल टैप करूंगा मैं। अब जैसे ही मैं दोस्तों इस पे डबल टैप करता हूँ, मैंने पहले से ही अपना अकाउंट बना रखा है, ठीक है, तो मुझे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। बट आपके लिए मैं आपकी सुविधा के लिए आपको बता देता हूँ, ठीक है, किस तरह से आपको अकाउंट बनाना। चलिए मैं स्वाइप करता हूँ। देखिए आगे चलते हैं, लेकिन लॉगिन अगर आपका अकाउंट बना है तो ऊपर आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर लेना। लेकिन आपका अकाउंट नहीं बना है तो मैं आपको नए सिरे से बता रहा हूँ, आगे चलता हूँ। डोंट हैव अकाउंट, रजिस्टर। तो सिंपली रजिस्टर पे आपने डबल टैप करना है। तो जैसे ही मैं रजिस्टर पे डबल टैप करता हूँ मेरे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है, इस फॉर्म को पूरा फिल करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या कॉलम आपको यहाँ पे भरने होंगे। देखिए रजिस्टर हेडिंग आ गई। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपका वैलिड हो, क्योंकि उस पर OTP आएगा, OTP को आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। चलिए मैं राइट स्वाइप करूंगा यहाँ पे। देखिए एंटर योर नेम, आपको ये डिसेबल या अनअवेलेबल जो भी बोलेगा उसको आपने ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब आप मोबाइल नंबर डाल देंगे तो ये आपका जो है इनेबल हो जाएगा डिसेबल की जगह, ठीक है। अभी इस पे डबल टैप करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक मोबाइल नंबर डालता हूँ यहाँ पे। मोबाइल नंबर शोइंग डायल कीबोर्ड 9 3 0
7 0 3 4 5. चलिए मैंने एक मोबाइल नंबर डाला यहाँ पे, अब देखता हूँ मैं। Dial keyboard hidden. 893 enter your name unavailable. Password unavailable. Enter your 8930703 45. Register. 893 showing dial keyboard. 5 back. चलिए मैंने 5 डिलीट कर दिया। Dial keyboard hidden. 893 enter your name unavailable. वो एक्स्ट्रा हो गया था थोड़ा। 8930703455. Enter your name unavailable. Password unavailable. Confirm password unavailable. Show password unchecked. Select gender unavailable. Enter date of birth unavailable. तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या करा है, अपना दूसरा मोबाइल नंबर डाल दिया, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, उस मोबाइल नंबर से ये आई थिंक उठा नहीं रहा था। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको लोकेशन के लिए बीच में पॉपअप आएगा, तो आप उसको कैंसिल कर दीजिएगा, लोकेशन को ऑन मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आप करेंगे तो आपकी मर्जी, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। आपको एक पॉपअप आएगा, वो मैं आपको नहीं दिखा सका क्योंकि मुझे मोबाइल नंबर डालना था और वो फिर पॉपअप चला गया, ठीक है। बाकी पॉपअप आएगा तो आपको उसको कैंसिल करना है सिंपली, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ, मोबाइल नंबर डाला मैंने यहाँ पे। Register 701 enter your name. देखिए अब यहाँ पे आ रहा है enter your name. अब आपको edit box देखिए पूरा सही बता रहा होगा, इस पे double tap करता हूँ, double tap भी हो जाएगा. Show in English. In back. Us. ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, आपको मोबाइल आपका English, नाम डालना है Q-W-E-R-T-Y, keyboard hidden. दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा नाम डालना है, बिल्कुल सही सही डालना है क्योंकि जो KYC होगी वो आपके नाम से ही मैच होगी. Register 70 text input placeholder. ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। Enter your name आ गया, आगे चलेंगे। Password. अब यहाँ पे दोस्तों पासवर्ड डालना है, पासवर्ड आपको अपनी मर्जी से बनाना है, सपोज डेट आप बना सकते हैं, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, tarun@1999, ठीक है। आपका जो नाम हो एट लगाइए और डेट ऑफ बर्थ का ईयर डाल दीजिए, तो आपका जो है यहाँ पे पासवर्ड बन जाएगा। डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है उसके 3 अंक आएंगे, चौथा नहीं डलेगा, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो आगे चलता हूँ मैं। कंफर्म पासवर्ड, अब यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड है, सेम पासवर्ड आपको ऊपर वाला इसमें भी डालना है, ठीक है। दोनों मैच होने चाहिए, अगर दोनों मैच नहीं होंगे तो ये अकाउंट नहीं बनेगा। आगे चलूंगा मैं। शो पासवर्ड अनचेक, अगर आप इस पे चेक लगा देंगे तो आपका पासवर्ड शो करने लगेगा। सिलेक्ट जेंडर, अब यहाँ पे आता सिलेक्ट जर्नल, ठीक है, इस पे देखते हैं। सिलेक्ट जेंडर, सिलेक्ट जेंडर, मेल अनचेक, मेल, फीमेल अनचेक, फीमेल, ट्रांसजेंडर अनचेक, ट्रांसजेंडर, ओके ओके। तो मैं मेल पे क्लिक करता हूं, फीमेल, मेल अनचेक, मेल, फीमेल, ट्रांस, ओके ओके करेंगे। एंटर डेट ऑफ बर्थ, अब यहाँ पे आता है एंटर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको कैसे चूज करना है, मैं आपको बहुत इजी तरीका बताता हूँ, इस पे डबल टैप करूंगा मैं। August 26, 2004. अब जैसे ही मैं इस पे दोस्तों डबल टैप करूंगा, मेरे सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब कैलेंडर का उपयोग आपको कैसे करना है मैं बताता हूँ, देखिए ऊपर आप मिडल में टच कीजिएगा, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा Thursday August 26, 2004. देखिए 2004 यहाँ पे मैंने टच किया, इस पे मेरे को डबल टैप करना है। अब जैसे ही मैं इस पे डबल टैप करूंगा तो यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे ईयर हो जाएंगे, तो आपको देखिए यहाँ पे एक बार टच करना है 2004 है। अब आपको दो फिंगर से नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है 2000 से 4 से तो आपको ऊपर की तरफ करना है। मैं नीचे की तरफ चलता हूँ, ये देखिए मेरे को 1997 ढूंढना है यहाँ पे, 2000, ये 2000 पे आ गया। 1998. बड़े ध्यान से करना है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जहाँ पे भी 2004 बोले या जो भी बोले, मतलब वहाँ पे टू फिंगर से आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, ठीक है। चलिए मैं आगे देखता हूँ। 1997. अगर आप टू फिंगर से स्क्रॉल नहीं भी करेंगे तो लेफ्ट की तरफ स्वाइप करते करते जाएंगे तो भी आपका आ जाएगा। 1997, select month and day. क्लिक किया, अब मेरे को यहाँ पे मंथ चूज करना है, ठीक है, मेरे को अप्रैल चूज करना है। 1997, Tuesday, August 20, August 1st, August 2nd, August 3rd, 1997, Tuesday, August 26. अब यहाँ पे आपको मिलेगा अब मैं टू फिंगर से इसको राइट की तरफ स्वाइप कर रहा हूँ अप्रैल ढूंढने के लिए। अप्रैल 20, ठीक है। आपको यहाँ पे टू फिंगर से राइट या लेफ्ट करना है जब आपको मंथ चूज करना है, ठीक है। और जब ईयर चूज करना है या तो टू फिंगर से ऊपर या नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे या लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ स्वाइप करेंगे। पहले आपको मिडल में टच करके आपको ये ढूंढना है कि सन कहां पे बोल रहा है ईयर, उस पे पहले डबल टैप करना है, फिर वो लिस्ट खुल जाएगी, फिर आपको करना है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, है ना। आगे चलता हूं मैं। अब यहां पे आई एक्सेप्ट दी यूटीएस टर्म्स एंड कंडीशन, इसको आपको चेक करना है, चेक लगा देना है, सिंपली आपको Privacy policy, register. रजिस्टर पे डबल टैप कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप रजिस्टर पे डबल टैप करेंगे, आपके सामने यहाँ पे क्या होगा,
आपका जो है ओटीपी आएगा, जो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला होगा उस पे, ठीक है। तो ओटीपी पे सिंपली वैसे तो ऑटोमेटिक ले लेता है, अगर नहीं भी लेगा तो ओटीपी आपको देख के डाल देना है और सबमिट पे डबल टैप कर देना है और सिंपली जो है आपकी अकाउंट यहाँ पे आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको अगले पेज पे ले जाएगा लॉगिन वाले पेज पे, वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना होगा आपको और नीचे जो पासवर्ड बनाया वो डालना होगा और लॉगिन पे आपको डबल टैप कर देना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको लॉगिन करके फिर आपको इसका इंटरफेस आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों फाइनली मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद मैं अपने जो इसका इंटरफेस है उस पर आ चुका हूँ, एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है। आपको दो तीन चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जब आप लॉगिन वाले पेज पे आएंगे, जब आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, उसके बाद जब आप नीचे अपना पासवर्ड डाल देंगे तो पासवर्ड के नीचे आपको एक मिलेगा रिमेंबर पासवर्ड नॉट चेक, तो आप क्या करेंगे उसको चेक लगा देंगे डबल टैप करके। उसके बाद आप लॉगिन पे डबल टैप करेंगे, उससे होगा क्या कि जब आप इस एप्लीकेशन के बाहर जाएंगे और फिर वापस आएंगे तो उसको बार बार आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल नंबर ऑलरेडी ऊपर आपका डला होगा, पासवर्ड भी डला होगा, बस आपको लॉगिन पे हर बार क्लिक करना होगा और आपका सिंपली लॉगिन हो जाया करेगा, ठीक है। अगर आपको एक चीज़ और ये क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पे कि जब आप अकाउंट बना लेंगे तब तो लोकेशन की जरूरत नहीं है, बट आप जब लॉगिन करने आएंगे इस ऐप को यूज़ करेंगे तब आपको लोकेशन आपकी ऑन करनी पड़ेगी, वो कंपलसरी है, ठीक है। उसका कारण भी आपको बताऊंगा आगे कि कंपलसरी क्यों है। दोस्तों वीडियो में बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन जानकारी बिल्कुल अच्छी होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका इंटरफेस देख लेते हैं। अभी हम यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे ये इसकी हेडिंग आ गई, ये नोटिफिकेशन आ गई। नोटिफिकेशन में कुछ खास नहीं है, नोटिफिकेशन आती है तो यहाँ पे पता चल जाता है। यहाँ पे मोर ऑप्शन है, इस पे डबल टैप करेंगे, यहाँ पे आपका नंबर दिखाएगा, यूजर नेम मतलब जो भी आपका, यहाँ से आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए सिंपली आगे चलता हूँ मैं, देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलता है नॉर्मल बुकिंग, ठीक है। आपकी यहाँ पे नॉर्मल बुकिंग सिलेक्टेड है, नॉर्मल बुकिंग का मतलब वही हुआ कि आपकी जो जर्नल टिकट है ना, नॉर्मली जैसे हम जाते हैं, मान लीजिए अभी आपको अर्जेंटली जाना है कहीं, है ना, कोई आपकी ट्रेन आ रही है तो आप यहाँ से जर्नल टिकट काट के फटाफट उस ट्रेन में चढ़ जाएंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, टीटी भी आपको कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। तो उसके लिए ये काफी उपयोगी होता है ना। तो आगे चलता हूँ मैं, अब देखिए यहाँ पे आता है क्विक बुकिंग। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें आपको कोई भी अपना एक रूट ऐड कर लेना होता है। मान लीजिए दोस्तों आप डेली बेसिस पे कहीं जाते हैं, ठीक है, सपोज डेट मान लिया मैंने कि आप दिल्ली से पानीपत हर रोज सफर करते हैं ना, तो यहाँ पे अगर आप अपना रूट ऐड कर देंगे तो जब भी आप टिकट बुक करेंगे तो आपको बार बार रूट आपके डालना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली रूट उठा के वो टिकट आपकी बुक कर दिया करेगा, ठीक है। तो इसका ये फायदा है, रूट कैसे ऐड करते हैं वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। आगे चलूंगा मैं एक बार, आप देखिए यहाँ पे आता है सीजन बुकिंग। सीजन बुकिंग का मतलब ये होता है कि आप अपना रेलवे का पास बनवा सकते हैं और वो पास आप एक साल का भी बनवा सकते हैं, छह महीने का भी बनवा सकते हैं, एक महीने का भी बनवा सकते हैं। मतलब कि जैसे आप पास के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपका जो अमाउंट है वो इकट्ठा उसी चीज के लिए डिटेक्ट कर लिया जाएगा। सपोज डेट आपको एक मंथ के लिए बनवाना है तो एक मंथ के लिए जैसे आप अप्लाई करेंगे तो एक महीने का पैसा ये पहले से ही चार्ज कर लेगा, अभी पैसे काट लेगा और आपका पास बन जाएगा। फिर आप डेली बेसिस पे बिना टिकट के उसी पास पे आप यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम, अब यहाँ पे कैंसिल टिकट, जो भी आपकी टिकट कैंसिल होती है या आप टिकट कैंसिल करना चाहते हैं तो इसमें जाके आप कर सकते हैं। आगे चलूंगा मैं, यहाँ पे आपको बुकिंग हिस्ट्री मिल जाएगी, अगर आपने कोई टिकट बुक किया होगा तो उसकी पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी डबल टैप करते जैसे आप जाएंगे। तो यहाँ पे आता है शो टिकट, आगे चलूंगा मैं, शो टिकट का मतलब आपको आगे बताऊंगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने कोई टिकट बुक किया, ठीक है, तो टिकट बुक करने के बाद आपको शो टिकट में जाना होगा और आपकी सारी टिकट यहाँ पे शो हो जाएंगी जो जो आपने बुक की है, ठीक है। आगे चलूंगा मैं, आर वॉलेट, अब देखिए यहाँ पे आर वॉलेट ये क्या चीज है, मैं आपको इसके बारे में पहले बता देता हूँ। आर वॉलेट एक रेलवे का वॉलेट है, इस एप्लीकेशन का वॉलेट है। इसमें आप अपना रिचार्ज करके अपना समय बचा सकते हैं और थोड़ा कैशबैक भी ले सकते हैं। वो कैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मान लीजिए आप रोज रोज टिकट बुक करते हैं या जब भी टिकट बुक करते हैं तो हर बार क्या
होता है जब पेमेंट गेटवे में जाते हैं तो बार बार यूपीआई को सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर ओटीपी डालना पड़ता है, फिर पेमेंट करना पड़ता है, बहुत झंझट होते हैं ना। इससे बढ़िया हम इसके वॉलेट में क्यों ना रिचार्ज कर लें, और जब भी हम टिकट बुक करेंगे ऑटोमेटिक वॉलेट से कट जाएगा, ना कोई वहाँ यूपीआई में जाने का झंझट है, ना कोई और झंझट है ना, तो ये उससे बचाता है हमें। तो इसमें आप मिनिमम 100 रुपये, मैक्सिमम तो 10,000 तक भी आप ऐड कर सकते हैं, 1,000 भी ऐड कर सकते हैं। तो मिनिमम जब आप 100 रुपये ऐड करेंगे तो आपको 5 रुपये का कैशबैक भी देगा ये, यानी आपको 105 रुपये ऐड कर देगा आपके वॉलेट में, ठीक है। इसको वॉलेट को चलाने के लिए आपको ईकेवाईसी करना पड़ेगा। ईकेवाईसी करना कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट चूज करना होगा आपको, उसका सिर्फ आपको नंबर डालना है और ओके कर देना, आपका सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं, प्रोफाइल। अब यहाँ पे प्रोफाइल, आप अपनी पूरी प्रोफाइल देख सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है, प्रोफाइल चेंज करनी है, या रूट चेंज करना है, और भी बहुत कुछ है ना, केवाईसी हुई है कि नहीं हुई है, वो चीज़ें अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे चलूँगा मैं, अब यहाँ पे हेल्प, आप इसमें हेल्प पे जाएंगे तो आप रेलवे से सपोर्ट ले सकते हैं, उनका नंबर भी मिल जाएगा, कस्टमर केयर नंबर। आगे चलता हूँ मैं, अब यहाँ पे आता है नॉर्मल बुकिंग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो क्या कहता है, बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस, ठीक है दोस्तों। ये ऑप्शन तब काम करेगा अगर आप इस पर डबल टैप करके टिक लगा देंगे और आगे बढ़ेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, जब आपकी टिकट बुक हो जाएगी ना तो वो आपकी पेपरलेस रहेगी, ठीक है। मतलब आपको उसका प्रिंट नहीं निकलवाना पड़ेगा, आप इसी में शो करके आप टिकट को वहाँ पे दिखा सकते हैं। बशर्ते इसका एक रूल है, आपको आपका जो नज़दीकी स्टेशन है ना उसके 2 किलोमीटर के दायरे में आपको रहना पड़ेगा, तब आप ये बुक कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये बुक नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इस पे टिक करके कभी भी टिकट ना बुक करें, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं, बुक एंड प्रिंट पेपर अनचेक्ड। अब देखिए बुक एंड प्रिंट पेपर आपको इस वाले पे चेक करना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब आप टिकट बुक कर लेंगे, टिकट बुक करने के बाद शो टिकट में जाएंगे, वहां पे आपको टिकट का वो सारा डिटेल दिखाएगा। उसके बाद जब भी आप अपने स्टेशन पे जाएंगे तो वहां पे प्रिंटर लगे होते हैं, मशीन लगी होते हैं यूटीएस के नाम से, ठीक है। वहां पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, और आप अपना टिकट का नंबर डालेंगे और वहां से आपका जो है प्रिंट वो निकल जाएगा, फिर उस प्रिंट को लेके आप यात्रा कर पाएंगे, ठीक है। तो आप जब भी टिकट बुक करें तो आप पेपरलेस वाले पे ना करें, पेपर प्रिंट वाले पे करें टिक लगा के, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पे आगे बताऊंगा और चीजें, बुक एंड ट्रैवल, बुक एंड प्रिंट पेपर अनचेक्ड, ये अनचेक है, इसको चेक लगा दूंगा। देखिए जैसे ही मैंने इसको चेक लगाया, आगे ये मुझे कुछ बताएगा, देख लेते हैं। Asterisk book anywhere. Asterisk print ticket at originating station. Asterisk printed ticket is travel authority. Asterisk travel without ticket printout is punishable. देखिए इसने बता दिया, आप इस ऑप्शन को टिक करने के बाद एनीवेयर कहीं से भी टिकट बुक कर सकते हैं, और जब आप टिकट बुक करेंगे तो उसका प्रिंट आपको अवश्य लेना होगा, अदरवाइज आपको पनिश किया जाएगा अगर आप बिना प्रिंट के चढ़ जाएंगे तो। आगे चलूंगा मैं, Depart from STN station name. अब देखिए यहाँ पे आता है Depart to STN station name, मतलब कि आपको कहाँ से जाना है, ठीक है। आगे दिखाता हूँ, Going to, ठीक है, Going to STN station name, मतलब आपको कहाँ जाना है, From और To कह सकते हैं आप इसे, है ना, कहाँ से कहाँ जाना है। तो आप यहाँ पे स्टेशन चूज करेंगे, अगर उस रूट पे लोकल ट्रेन यानी जनरल टिकट अलाउड नहीं होगी तो ये बुक नहीं करेगा, अगर अलाउड होगी तो ये बुक आपको कर देगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दूसरे ऑप्शन बता देता हूँ, फिर आपको इसमें लेके चलूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ वॉलेट वाला, ठीक है। आर वॉलेट पर डबल टैप करूंगा सिंपली। तो दोस्तों मैंने तो अपना केवाईसी कर लिया था, बट आपको तरीका बता देता हूँ किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। मैं राइट स्वाइप करूंगा, आर वॉलेट आ गया, राइट स्वाइप करूंगा, करंट बैलेंस 0, रिचार्ज वॉलेट, रिचार्ज हिस्ट्री, रिचार्ज हिस्ट्री आप यहाँ पे हिस्ट्री भी देख सकते हैं रिचार्ज की, सरेंडर कर सकते हैं आप अपने वॉलेट को, चेंज सिटी आप अपना सिटी भी चेंज कर सकते हैं, करंट बैलेंस रुपीज 0.0/0.0 है ना, अभी तक मैंने कोई रिचार्ज नहीं किया इसलिए 0 दिखा रहा है। आगे चलूंगा, रेलवे वॉलेट बैलेंस, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, रिचार्ज वॉलेट पे डबल टैप करना, इस पे क्लिक कर दिया, करंट बैलेंस जैसे आप रिचार्ज वॉलेट पर डबल टैप करेंगे आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन 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 मैं आपको बता देता हूँ,
मेरे सामने तो ये अगला पेज ओपन हो रहा है, लेकिन आपके सामने पहली बार करेंगे तो नहीं होगा। आपको वहां पे दिखा देगा कि आपका जो कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपको एक बार देना पड़ेगा ई केवाईसी के लिए। तो वहां पे आपको क्या करना है, कैंसल और अपडेट का ऑप्शन आएगा, तो आपको अपडेट पे डबल टैप कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप अपडेट पे डबल टैप करेंगे आपके सामने काफ़ी सारे वो आ जाएंगे, भाई आपको कौन से डॉक्यूमेंट से केवाईसी करना है, ठीक है। तो आप नीचे नीचे चलेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, है ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, उस पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ आता तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, मैं अलग से एक वीडियो उसके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो उस पर क्लिक कीजिएगा, आधार कार्ड चूज कीजिएगा, आधार कार्ड नंबर डालिएगा, अपडेट पे क्लिक कीजिएगा, आपको मैसेज मिल जाएगा अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो जब आप रिचार्ज वॉलेट पर करेंगे तो ये पेज आपके सामने आएगा जो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। चलिए मैं राइट स्वाइप करता हूँ, करंट वॉलेट बैलेंस जीरो, एंटर रिचार्ज अमाउंट, ठीक है। रिचार्ज अमाउंट आपको डालना है 100 रुपए मिनिमम डालना है, मैक्सिमम कितना भी डाल सकते हैं। दोस्तों इस वॉलेट को रिचार्ज करने में आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाते हैं और क्विकली टिकट भी आप बुक कर पाएंगे, बार बार पेमेंट का झंझट नहीं पड़ेगा आपको, वॉलेट से ऑटोमेटिक कट जाया करेगा। एंटर अमाउंट आ रहा है यहाँ पे, minimum RS.100, multiple of RS.100 and maximum wallet balance should be RS.100000/- देखिए इन्होंने बता दिया मिनिमम आपका 100 रुपीज है, आप 1000 का भी कर सकते हैं और 10,000 का भी कर सकते हैं, ठीक है। राइट स्वाइप करूंगा मैं, रिचार्ज पे सिंपली आपको डबल टैप करना है। तो जैसे ही आप रिचार्ज पे डबल टैप करेंगे आपके सामने कई सारे पेमेंट ऑप्शन आ जाएंगे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एंटर अमाउंट डालूंगा मैं यहाँ पे, मैंने 100 रुपीज डाल दिया, ठीक है। अब मैं रिचार्ज पे डबल टैप करूंगा, तो जैसे ही मैं रिचार्ज पे डबल टैप करता हूँ मेरे सामने पेमेंट का इंटरफेस आएगा। दोस्तों आपको यहाँ पे UPI से ही पेमेंट करना है, अगर आप अदर वे चूज करेंगे जैसे कि लाइक डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, है ना, रुपया डेबिट कार्ड, तो उससे आपके चार्जेस लगेंगे। आपको चार्जेस से बचना है तो UPI से ही पेमेंट करना है आपको, ठीक है, अदर वे से नहीं करना है। अगर अदर वे से करेंगे तो आपके चार्ज कट जाएंगे, उसका कोई भी फायदा आपको नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये पेमेंट का जो पेज है वो लोड हो रहा है, जैसे ये लोड होता है मैं आपको आगे का प्रोसेस यहाँ पे समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है। दोस्तों वीडियो ही भले लंबा हो रहा है लेकिन आपको सीखने को ज़रूर मिल रहा होगा, है ना। मेरा मकसद ही दोस्तों यही है कि जितना भले ही जितना मर्जी लंबा वीडियो हो जाए लेकिन दोस्तों सिखाना पूरा है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे पेमेंट का पेज, प्रोग्रेस बार पोजीशन जीरो, अभी पेमेंट का पेज ओपन नहीं हुआ है, तो अभी ओपन होने वाला है दोस्तों। कई बार थोड़ा सा टाइम लगा सकते हैं क्योंकि नेट कनेक्टिविटी हमारी यहाँ पे थोड़ी सी डाउन है, तो देखते हैं ये कब ओपन होता है। दोस्तों मेरे सामने यहाँ पे पेमेंट का पेज आ चुका है, वो थोड़ा सा नेट कनेक्टिविटी डाउन था, इसकी वजह से डिले हो रहा था। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एरर आता है तो आपने वेट करना है, बैक नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ पेमेंट ऑप्शन, इसकी हेडिंग आ गई, राइट स्वाइप करूंगा मैं यहाँ पे, एप्लीकेशन का नाम बता दिया किसके थ्रू पेमेंट हो रहा है, ये अर्थ बोल रहा है, मतलब UTS है ना, बिना स्पेस के बोलता है इसलिए ऐसा लगता है। देखिए आपकी ट्रांजेक्शन ID जनरेट हो गई है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं हम, CPG payment ID 8082602204934, ये आपकी पेमेंट ID जनरेट हो गई है। अमाउंट 100.00 INR, अब देखिए यहाँ पे पेमेंट चूज करना है आपको। You can make payment through net banking, debit card and UPI by selecting any payment option. अब ये पूछ रहा है कि आपको किससे पेमेंट करना है, आप एनी ऑप्शन चूज कर सकते हैं यहाँ पे। UPI, nil, net banking dash 1.8% plus applicable taxes paid. देखिए आप पेटीएम से कर सकते हैं, पेटीएम पे डबल टैप करेंगे, पेटीएम का रजिस्टर मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो आप पेटीएम से भी पे कर सकते हैं, ठीक है। मोबीक्विक से भी कर सकते हैं, फ्री चार्ज से भी कर सकते हैं, कैंसल पेमेंट ऑप्शन, मेक पेमेंट, है ना, पेमेंट ऑप्शन कैंसिल, मेक पेमेंट पे डबल टैप करना है आपको चूज करके। मैं UPI चूज करता हूँ, देखिए जैसे मैंने UPI पे चेक किया, मेक पेमेंट पे डबल टैप करूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं मेक पेमेंट पे डबल टैप करता हूँ यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, फ्री चार्ज मेक पेमेंट, तो थोड़ा सा वेट करते ही यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएंगे हमारे पास। देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, आगे चलेंगे हम यहाँ पे। देखिए ये पेटीएम का इंटरफेस आ गया, देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका जो पेटीएम में रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो आपको डालना होगा, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद पेट, चेक, ये चेक लगा हुआ है इस पे, 100% सिक्योर पेमेंट्स पावर्ड बाय पेट, बैक, लोगो,
तो दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है पेटीएम का, उसके बाद वो ओटीपी आएगा, उसके बाद जो आपका पेटीएम से यूपीआई लिंक होगा उससे वो डायरेक्टली पेमेंट कर लेगा, ठीक है। तो ये तो बात रही पेमेंट की, अब सिंपली हम यहाँ पे बैक करेंगे, इसको यस कर देंगे, ये बोल रहा है पेमेंट कैंसिल करना है, तो अभी हमें पेमेंट नहीं करना है, तो हम बैक कर देंगे, एक और बैक कर देंगे। तो अभी इसका जो इंटरफेस है उस पर आ चुका हूँ मैं, ठीक है। अब पहला ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, नॉर्मल बुकिंग पे ये सिलेक्टेड है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे राइट स्वाइप करते करते आगे आऊंगा तो मुझे एक ऑप्शन मिल जाएगा नॉर्मल बुकिंग पे, ये चूज हो गया, ठीक है। राइट स्वाइप करेंगे, इसको अनचेक रहने देंगे, इसका मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, ये चेक लगा हुआ, इसको चेक लगे रहने देंगे। अब देखिए डिपार्ट फ्रॉम कहाँ से जाना है आपको, आप शहर का नाम भी डाल सकते हैं, शहर का कोड भी डाल सकते हैं। मैं शहर का कोड डाल देता हूँ PNP, जैसे मैंने PNP डाला ऊपर मैं टच करूंगा तो देखिए स्वाइप भी करूंगा तो पानीपत जंक्शन आ गया, इस पे डबल टैप करूंगा, ठीक है। अब गोइंग टू में देख लेते हैं, मैंने NDLS डाल दिया, यहाँ पे न्यू दिल्ली आ जाएगा, इस पे डबल टैप करूंगा, उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे डबल टैप करना है। तो दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट पे डबल टैप करेंगे आपके सामने अगला इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे राइट स्वाइप करते करते आगे चलूंगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे अडल्ट है, आप यहाँ पे मैक्सिमम 4 लोगों की टिकट एक साथ बुक कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये 1 पे टिक रहता है, ठीक है। आगे चलेंगे हम, देखिए 1-1 अनचेक, इस पे डबल टैप करेंगे तो यहाँ पे 4 को आप चेक करेंगे, 0 1 1 1 2 2 3 4 4 अनचेक। जैसे आप 4 पे डबल टैप करेंगे अनचेक पे, ये 4 मेंबर यहाँ पे आपके चूज हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलूंगा मैं, अब यहाँ पे चाइल्ड पूछ रहा है, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप बच्चों को भी ऐड कर सकते हैं, तो फिलहाल मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन 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 जब आपको मेंबर ऐड करना होगा तो आपको पहले वाले ऑप्शन पे डबल टैप करना होगा, पॉपअप खुलेगा, उसके बाद राइट स्वाइप करते करते आगे देखना होगा कि कितने मेंबर को ऐड करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया है। आगे चलूंगा मैं, 0 0 अनचेक, देखिए 0 0 अनचेक है, इस पे डबल टैप करूंगा तो 4 बच्चे भी चेक कर सकता हूं मैं, यहां पे 4 बच्चों को ले जा सकते हैं हम अपने साथ। अब देखिए टिकट टाइप पूछ रहा है, जर्नी जे, आपका जो जर्नी रहेगा वो रिटर्न का भी रहेगा या सेम डे का, मतलब एक ही जगह का आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये एक ही जगह का टिक है, इसको टिक रहने देंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे, अगर आपको रिटर्न करना है तो दूसरे वाले पे टिक करेंगे, इस वाले पे, ठीक है। आगे चलूंगा मैं, अब यहाँ पे पूछा ट्रेन टाइप, आपकी ट्रेन की टाइप कौन सा रहेगा, देखिए mail/exe/m/ है ना, यहाँ पे जो एक्सप्रेस होती है मेल होती है वो चूज हो रखी है, आपको वही चूज करके रखना है। अगर आप इस पे डबल टैप करेंगे तो आप सुपर फास्ट को भी चूज कर सकते हैं, उसका थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है, ठीक है। आगे चलूंगा मैं, अब यहाँ पे क्लास चूज करनी है, ये सेकंड टू पे बाय डिफॉल्ट होता है, इसी को ही रहने दे, ये जर्नल पे ही होता है, ठीक है। आगे चलेंगे हम, अब ये पूछ रहा है पेमेंट टाइप, आपको पेमेंट किससे करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आर वॉलेट को अनचेक हो रखा है, आर वॉलेट पे चेक करेंगे तो इसका वॉलेट, ये जो मैंने बताया था अभी आपको, रिचार्ज करके रखना है, और जैसे आप इस पे डबल टैप करेंगे और आपको पेमेंट के लिए आगे ले जाएगा, ये वॉलेट से पेमेंट कट जाएगा, आपको UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनसे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, है ना। और 5% का कैशबैक भी आपको दे देता है जैसे आप इसको रिचार्ज करते हैं वॉलेट को। तो आगे चलते हैं, अब देखिए यहाँ पे गेट फेयर है, मैं गेट फेयर पे डबल टैप करूंगा, तो जैसे ही मैं गेट फेयर पे डबल टैप करता हूँ, देखिए मेरे सामने 4 बंदों का किराया आ गया पानीपत से दिल्ली का। देखिए फेयर इंडियन रुपए 200, यानी 200 रुपए किराया यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। आगे चलूंगा मैं, देखिए आर वॉलेट का जो मेरा बैलेंस है वो 0 ही दिखा रहा है, आर वॉलेट का मतलब रेलवे वॉलेट, है ना, क्योंकि मैंने रिचार्ज नहीं किया था। आगे चलता हूँ, देखिए ये बता रहा है कि आपका जो बैलेंस है वो लो है वॉलेट का, आप अदर पेमेंट को चूज करके बुक कर लीजिए। रिचार्ज वॉलेट, यहाँ से आप डायरेक्टली रिचार्ज कर लेंगे, उसी पेज पे चले जाएंगे। अदर पेमेंट पे डबल टैप करता हूँ, अदर पेमेंट पे डबल टैप करता हूँ, यहाँ पे आपको बुक टिकट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप बुक टिकट पे डबल टैप करेंगे आपके सामने सारे इंटरफेस आ जाएंगे पेमेंट के, पेटीएम, UPI, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एक्सेट्रा, तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से तो आप यहाँ पे टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे अभी टिकट नहीं बुक करना है, मुझे सिर्फ आपको समझाना था, तो मैं यहाँ पे बैक करूंगा, एक बार और बैक करूंगा,
तो मैं अभी इसके इंटरफेस पे आ चुका हूँ वापस से। अब मैं दिखाता हूँ क्विक बुकिंग का, ठीक है? इस पे डबल टैप करूंगा तो जैसे ही मैं इस पे डबल टैप करूंगा दोस्तों, मुझे यहाँ पे रूट चूज करने के लिए कहेगा, ठीक है? तो मैं अपना अगर एक बार रूट चूज कर दूंगा, मान लीजिए मैं दिल्ली से पानीपत हर रोज जाता हूँ, है ना, तो जब भी मैं टिकट बुक करूंगा तो मैं जैसे ही वहाँ पे रूट वाले पे ऑप्शन जाऊंगा तो मेरा ऑटोमेटिक ये उठा लिया करेगा, मुझे बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपना रूट, है ना। तो मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पे क्विक बुकिंग इसकी हेडिंग है, क्विक एंड ट्रैवल पेपरलेस अनचेक्ड, क्विक एंड प्रिंट पेपर अनचेक्ड, इस पर चेक लगाऊंगा, asterisk book anywhere asterisk print ticket and originate next, नेक्स्ट पे डबल टैप करूंगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे डबल टैप करेंगे यहां पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जर्नी पैड ऑफ जेएन PNP New Delhi NDLS adult, देखिए मैंने यहां पे पहले से ही ordinary book ticket देखिए मैंने यहां पे पहले से ही डाल रखा है अपना। तो जैसे आप इस पे डबल टैप करेंगे यहां पे आके तो आपको डायरेक्टली टिकट बुक करने पे चला जाएगा, आपको नाम वाम बार बार नहीं डालना पड़ेगा, है ना। आगे दिखा देता हूं, जर्नी पैड ऑफ जेएन PNP app जर्नी पैड ऑफ जेएन PNP New Delhi NDLS adult 1 child 0 second 2 ordinary O book ticket देखिए ये भी मैंने डाल रखा है ना। Quick booking routes journey pad of JN PNP New Delhi NDLS adult तो जैसे आप इस पे डबल टैप करेंगे डायरेक्टली आपको पेमेंट के पेज पे ले जाएगा और आपका टिकट बुक हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ऐड कैसे करना है वो मैं अभी आपको आगे दिखा दूंगा। ये मैंने पहले से ऐड कर रखा है इसलिए मेरे पास ये इस तरह का दिखा रहा है, बट इसको एडिट कैसे करना है, दोबारा कैसे डालना है वो अभी आपको दिखाऊंगा। जब आप पहली बार इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐड करने के लिए बोलेगा, क्योंकि आपने ऐड नहीं किया होगा। मैंने ऐड कर रखा है इसलिए मेरे को डायरेक्टली ये दिखा रहा है, ठीक है। तो बैक करूंगा मैं यहाँ पे, एक बार और बैक करूंगा तो थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग लेगा, क्योंकि मैंने उस पर क्लिक किया था आपको बुक करने के लिए, मैं दिखाना चाह रहा था लेकिन वो अभी लोडिंग पे अटका हुआ है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको क्या करूँगा, एक बार बैक करूँगा। तो दोस्तों मैंने उसको यहाँ पे बैक कर दिया है। तो जैसे ही मैंने बैक किया तो अब मैं होम पेज पे आ चुका हूँ इसके, ठीक है। अब मैं आपको अगला ऑप्शन दिखा देता हूँ। मैंने आपको नॉर्मल बुकिंग का दिखा दिया, क्विक बुकिंग का दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम Image of tab icon platform booking. दोस्तों यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म बुकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। सपोज डेट मान लीजिए आप किसी को छोड़ने जा रहे हैं ना, या आप खुद भी जा रहे हैं, तो हमें प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ता है जो कि 20 से 30 रुपए का आता है, स्टेशन के हिसाब से होता है। तो जैसे आप इस पे डबल टैप करेंगे आपको स्टेशन का नाम मांगेगा, स्टेशन पे नाम पे जैसे डबल टैप करेंगे नेक्स्ट करेंगे तो आपको गेट फेयर दिखा देगा, इतने रुपए लगेंगे, और डायरेक्टली पेमेंट का वही ऑप्शन आएगा सारा। इसलिए मैं आपको करके नहीं दिखा रहा ताकि वीडियो यहाँ पे लंबा ना हो, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म टिकट आपने कैसे लेना है आप समझ गए होंगे। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, अब यहाँ पे आता है QR बुकिंग। दोस्तों QR बुकिंग क्या होता है, आप जब भी आप अपने स्टेशन पे जाएंगे रेलवे स्टेशन पे तो वहाँ पे UTS के नाम से मशीनें पड़ी होंगी, ठीक है, तो वहाँ पे QR कोड भी होगा। तो इस जैसे ही आप इस पे डबल टैप करेंगे इसका कैमरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप कैमरे को ओपन करके उस QR कोड को आगे लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप टिकट बुक कर पाएंगे फटाफट। आपको पता ही होगा QR कोड का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। आगे चलूंगा मैं, कैंसिल टिकट, अब यहाँ पे कैंसिल टिकट देख सकते हैं, आप कैंसिल टिकट भी कर सकते हैं अगर आपने टिकट बुक किया है तो। बुकिंग हिस्ट्री देख सकते हैं, शो टिकट, आपको जो भी टिकट आप बुक करेंगे शो टिकट आपको यहीं पे शो होंगी सारी। आर वॉलेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। profile. अब देख लेते हैं प्रोफाइल के बारे में। इस पे डबल टैप करता हूँ मैं, जैसे इस पे डबल टैप करूंगा सेशन एक्सपायर्ड, अब यहाँ पे सेशन एक्सपायर आ गया दोस्तों, क्योंकि काफी टाइम से इसको लॉग इन करके रखा था। ओके करेंगे, जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो अब देख लेते हैं एक बार, दोबारा प्रोफाइल पे डबल टैप करूंगा। तो जैसे मैंने प्रोफाइल पे डबल टैप किया तो मेरे सामने प्रोफाइल यहाँ पे खुल चुकी है, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे login. अब जैसे ही लॉगिन ये हो रखा है 7015, remember password, forgot password, login. तो लॉगिन पे डबल टैप करूंगा दोस्तों, एक बार लॉगिन कर लेते हैं इसको दोबारा से। एक्चुअली वो सेशन आउट हो गया था, ठीक है। आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो आपको सिंपली रिमेम्बर वाले पे टिक कर देना है और आपका मोबाइल नंबर पासवर्ड डला रहेगा, सिंपली आपको लॉगिन पे डबल टैप करना है और लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा ऐप लॉगिन हो चुका है, मैं प्रोफाइल में चलूंगा एक बार फिर से, इस पे डबल टैप करूंगा। तो दोस्तों जैसे इस पे डबल टैप करता हूँ मेरे सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, चेंज पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे चेंज पर्सनल डिटेल। जैसे आप इस पे डबल टैप करेंगे आपकी पर्सनल डिटेल खुल जाएंगे, उसको आप चेंज कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड, आप यहाँ पे अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। सिंक टिकट, यहाँ पे आता है सिंक टिकट, ठीक है। सिंक टिकट का कुछ ज्यादा यूज नहीं होता है दोस्तों, खास मतलब यूज नहीं होता है। आप अपने टिकट को सिंक कर सकते हैं एक दूसरे से, है ना। मान लीजिए दो टिकट आपने बुक किए हैं तो आप उनको सिंक कर सकते हैं, ठीक है। चेंज फ्रीक्वेंट ट्रैवल रूट, चेंज फ्रीक्वेंट
ट्रैवल रूट है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था वहाँ पे, जब मैंने आपको दिखाया था क्विक बुकिंग में ना, तो वहाँ पे आप अपना रूट ऐड कर सकते हैं, तो मैंने वो ऐड कर रखा था, तो यहाँ पे आके आप उसको एडिट भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलूंगा मैं। यहाँ पे आप अपनी जर्नी डिटेल भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक कमाल का फीचर मिलता है, इसमें आप इस एप्लीकेशन को दूसरे फोन में भी लॉगिन कर सकते हैं सेम टाइम पे। ठीक है, इस ऑप्शन को यूज करते हुए इस पे डबल टैप करेंगे। अब जैसे ही मैं इस पे डबल टैप करता हूँ, देखिए मुझसे ये पूछता है All ticket will be deleted, मतलब कि इस हैंडसेट से मेरी टिकट डिलीट हो जाएगी और जिसमें मैं लॉगिन करूंगा उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे चलूंगा। मैं क्विट करूंगा या ओके करूंगा। ठीक है, तो मैं इसको क्विट कर देता हूँ, मुझे अभी नहीं करना है। ठीक है, आगे चलूंगा मैं। यहाँ पे आप अपने सिटी भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप पर्सनल डिटेल चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था। आप देखिए सिलेक्ट आईडी कार्ड टाइप है ना, आगे चलता हूँ। आधार कार्ड, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना केवाईसी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी आपको केवाईसी करने का ऑप्शन मिल जाएगा। Credit card with laminated gov'd. Issue PAN card unchecked. Voter ID unchecked. ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। Other card, driving license, passport unchecked. Student ID unchecked. Bank passbook and credit card with lamp gov'd. तो मैंने तो अपना सारा यहाँ पे कर दिया है, ठीक है? अब मैं आगे चलूँगा यहाँ पे। यहाँ पे जेंडर आपका आ जाएगा, मेल आ जाएगा, प्रोसीड है ना। प्रोसीड पे जैसे डबल टैप करेंगे आपका जो केवाईसी, यहाँ से भी आप अपडेट कर सकते हैं, पूरा प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई है आपको तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर किसी सेशन पे दोबारा से वीडियो चाहते हैं तो वो भी मैं अलग से बना दूंगा, आपको समझा दूंगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।